जी फरीद भाई बताएंगे सूप कैसे लगा आपको? कैसे लगा आपको? मजे का है? खाली मजे का या बहुत मजे का है? क्या वजह क्या है? चलिए थैंक यू सो मच इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स, आज जो है हम सारे दोस्त अपने कराची के जो है वो इकट्ठे हुए हैं सुपर हाईवे के ऊपर जो है मैंग्रोव्स के नाम से ये रेस्टोरेंट है बिहाइंड मेरे। तो ये बहुत ही स्पेशल ओकेशन है और फर्स्ट टाइम हमारा विजिट है। मेरी 60th बर्थडे मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। वैसे तो मेरी बर्थडे जो है वो 27 जनवरी को है, तो माशाल्लाह 60 साल का हो जाऊँगा 27 जनवरी को। और मैं जो है परसों जो है वापस जो है UK जा रहा हूँ वाया दुबई, तो इस वजह से जो है मेरे दोस्तों के साथ मैंने ये एक पार्टी रखी है। तो ये जो है मेरी यादगार पार्टी है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करूँगा अपनी 60th बर्थडे। तो मेरे साथ ही रहिए, तो हम आज जो है इस रेस्टोरेंट में जो है अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करेंगे। तो मैंग्रोव्स के नाम से ये देख सकते हैं आप। तो चलें हम चलते हैं अंदर। तो माशाल्लाह मेरे काफ़ी दोस्त आए हुए हैं, तो हम अंदर चलते हैं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। आफ्ताब और अभी बस कल का ही दिन है, परसों दुबई चला जाऊंगा। तारिक नहीं अभी हम लोग, तारिक मेरा मूड था अभी छुट्टी में, मैं जमील कनवीर शकील उस्मान उस्मान रईस भाई अमजद अमीन भाई खैरियत अगर आना है ना अभी इटली, जब ये ग्रीस आना है तो ग्रीस से शिप लो फैमिली से वो कार जाएंगे। जी तारिक भाई कैसे लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, खाना खाएंगे तो फिर आपको मिल जाएगा। जी मैंने आपसे कहा कि आपको लग कैसे रहा खाने का, मैंने आपसे नहीं पूछा। जमील भाई इंजॉय कर रहे हैं आप माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा जो जी माशाल्लाह आमीन सुमामी। जी व्यूज ये देखें माशाल्लाह जी, हम रहेंगे मैंग्रोव्स जो है ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे। और ये जो मेरे देख सकते हैं रजाक भाई बोल रहे जी मैं रह गया हूँ, मैं कैसे रजाक भाई को छोड़ सकता हूँ? ये देखें जी मेरे रजाक भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत दे खुश रखे, मेरे बहुत ही मतलब है कि प्यारे दोस्त हैं। और पाकिस्तान में इनके बगैर तो मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ मेरे लिए पाकिस्तान में बहुत मेरा साथ देते हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं रजाक। और ये सारे मेरे दोस्त माशाल्लाह, जी करामत भाई आपने ये सूप दिया कैसे लगा? मज़े का है? अच्छा लगा? चले बेहतरीन हो गया। जी फरीद भाई बताएंगे सूप कैसे लगा आपको? A1 माशाल्लाह, चले बेहतरीन हो गया। चीफ साहब
जबरदस्त मजे का है, पसंद आया। फर्स्ट टाइम इनका जो सूप आप पी रहे हैं, तो अलीबाज भाई आपने ट्राई किया? बेहतरीन है माशाल्लाह भाई, आपको भी अच्छा लगा। तो यासीन भाई अभी आपने ट्राई नहीं किया है, तो चले आप भी ट्राई करें तो मुझे बताएं जी। तो अभी आपने सूप नहीं पीना है? नहीं, आया नहीं है, आया नहीं है। जी कैसे लगा आपको? मजे का है? बहुत मजे का। खाली मजे का या बहुत मजे का है? नहीं, बहुत मजे। क्या वजह क्या है इसकी कि ये बहुत मजे का? क्या है इसकी, क्या वजह है कि भाई आपको ये हर जगह पे नहीं मिलता इस तरह का बना हुआ? अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा मजे का। चले माशाल्लाह। शकील भाई अभी आप ये बताएंगे मुझे, आप बताना। तो तनवीर भाई आप बताएं मुझे किस तरीके से लगा आपको? जी माशाल्लाह जी, आप ये देखें व्यूअर्स, मेरे जितने भी दोस्त हैं और ये माशाल्लाह देख लें, सुभान अल्लाह भाई। तो ये अमजद भाई अभी उन्होंने जो है ऑर्डर दे रहे हैं सारे जी। अभी शकील भाई आप बताएंगे मुझे? जी अमजद भाई आपने ऑर्डर दे दिया? जी आपका भाई ऑर्डर दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले की तुलना में 35 से 40 मिनट मांग लेते हैं, उसमें तैयार हो के आ जाएगा। चले ठीक है। तो आपने वैसे क्या क्या ऑर्डर किया है? हमने जो है मटन कढ़ाई का ऑर्डर किया है, और इसके अलावा अदाना कबाब है, जो तो अदाना कबाब ऑर्डर किया है, रेशमी कबाब है, इसके अलावा रोटी है, रेशमी कबाब है, ठीक है, वो है, प्रॉन हांडी की, प्रॉन हांडी का ऑर्डर किया हुआ है, इसके अलावा गार्लिक नान है, सादे नान है, और पराठे का। चले माशाल्लाह देखें जी भाई, जी देखें माशाल्लाह जी, बहुत ही कुछ इन्होंने ऑर्डर कर लिया है। तो चले देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है ये आज का रिव्यू रहता है, और ये स्पेशल जी। थैंक यू सो मच, आप फिर बोले, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पर आए हैं और आज हम मुझे मेरे साथ जो है ये मेरी बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। शकील भाई आपने ये सूप लिया? बेहतरीन है, मतलब है कि आप इसको जो अगर 10 में से कितने 10 नंबर देंगे इसमें? 10 में से 10 तो नहीं देंगे इसको, तकरीबन 9। देखे तो इन्होंने 9 नंबर दिए हैं। तो जी तनवीर भाई आप बताएंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू, आमीन, थैंक यू। तो अभी आप ये बताएंगे जी, आपने तो ये चिकन कॉर्न सूप मंगाया है जी, कैसे लगा आपको ये? बहुत अच्छा है। चले जी शुक्र, देख सकते हैं जी माशाल्लाह शकील भाई, ये देख सकते हैं जी हॉट एंड सोर सूप है जी। और ये देख लें भाई, देख लें भाई, उस्मान भाई ने जो है ये इसको ख़त्म भी कर दिया है माशाल्लाह। तो चले मैं भी खा कर तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से है। जी अब आपने तो थोड़े बहुत तो खा लिया, बताएंगे मुझे आप? वही जो हम घर में खाते रहते, थोड़ा ये चैन अच्छे। अच्छा आप घर में इस तरह ये बनाते हैं? मोहब्बत इसमें शामिल है माशाल्लाह। बेगम की मोहब्बत होती है वो आपको पता है। जी जी माशाल्लाह। तो अभी आप अगर घर पे तो आप कभी बुलाएं तो हम भी आपके घर पे अगर ऐसा ही सूप है तो हम ज़रूर खाएंगे। वेलकम, कल आ जाओ। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप में आऊँगा तो फिर जो है ऐसा ही सूप, नहीं कल नहीं है, कल तो अभी टाइम नहीं है, इंशाल्लाह कल जाओ। चले माशाल्लाह। देखिए जी ये हमारे बहुत ही जॉली भाई हैं, तो आज जो है थैंक यू सो मच कि आप आज हमारी इस पूरी गैदरिंग में ज्वाइन हुए और चार चांद लगाने के लिए, और
अमीन भाई ये भी आज आए हैं, तो चलो इनसे भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमने रिसेंटली बहुत टाइम साथ गुजारा है मलेशिया में, और मिलते रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी मिलते हैं जब भी है, लेकिन हम ज़्यादा मलेशिया में मिलते हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह चलें, बर्मिंघम में भी मिले हैं माशाल्लाह, दो तीन बार ये जो है इंग्लैंड में मेरे पास आए हैं माशाल्लाह। मैरिज सेरेमनी वही हुई जी, बिल्कुल 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 वली भाई वही हुआ था जी बिल्कुल। तो ये मेरे करामत भाई इटली में होते हैं, अब ग्रीस आए गए वापस, शुरू में ग्रीस पे थे, तो माशाल्लाह मुझे बहुत खुश हूँ, सारे दोस्त आए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन स्पेशल खुश हूँ कि करामत भाई से मेरी जो मुलाकात हुई है ना, तो माशाल्लाह आप इसका एक और ही जो है लुत्फ़ है कि मैंने अपने फ्रेंड को बहुत अरसे के बाद देखा है, मिला हूँ। थैंक यू करामत भाई, आप आ जाए हैं। तो आपको कैसे लगा मेरे भाई? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको माशाल्लाह। चलें भाई, अब मैं सारों को मैंने ये जो है बना ली वीडियो, और रजाक भाई आप बताएं, ये आपने भी सूप कैसे है? माशाल्लाह जी, जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से बनाया, अच्छा बनाया, बहुत सारी जगह पे सूप दिया, लेकिन इनकी क्वालिटी सबसे अच्छी है माशाल्लाह। सबसे अच्छी है कराची के अंदर? बहुत जगह पे गए लेकिन माशाल्लाह। चलें देखें जी, रजाक भाई ने कहा कि कराची में हमने बहुत जगह गए, और वाकई ये बहुत जगह मतलब एक खाने पीने के शौकीन है, तो अगर इन्होंने कह दिया तो मैं इनकी बात पर पूरा बिलीव करता हूँ। और ये मेरा जो है मैं भी पीकर आपको बताऊँगा सूप किस तरीके से है। सूप हमने पिया के तौर पे, वो सूप बारबेक्यू में इस तरह गरम नहीं मिला है। अच्छा, इतना गरम सूप हमें कभी मिला मैं माशाल्लाह। चले भी ठीक है, बहुत अच्छा जी माशाल्लाह। तो आप भाई यासीन भाई जी जी, अच्छा मैंने मज़ा ख़राब कर दिया पूछकर, चले ठीक है, तो बहुत अच्छा है जी, व्यूज देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है। अब मैं भी जो है आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, माशाल्लाह मैंने कोई भी मतलब है कि इसमें सॉस वगैरह भी नहीं डाला है, तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से ये जो है परफेक्ट है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अगर इसको मतलब है कि रेटिंग के हिसाब से मैं 10 out of 8 दूंगा, वेरी नाइस है, इतनी खर्चा नहीं आता है, 10 out of 10 ये डिफरेंट है कि आप अगर मतलब है कि हर एक जगह का एक मतलब है कि टेस्ट होता है, पाकिस्तान में ये मैंने जो पिया है सूप बहुत अच्छा है, उस हिसाब से इसकी रेटिंग है। अगर आप दुबई में या किसी और जगह जाते हैं माशाल्लाह यूरोप में, तो वहाँ पर आपको मतलब है कि इससे भी अच्छे सूप है, टेस्ट आप टर्की चले जाएँ तो आपको और अच्छे अच्छे सूप मिलेंगे, तो हाँ बिल्कुल, उस हिसाब से ये जो है ऑर्डर शोर बहुत अच्छा है ये माशाल्लाह, वेरी नाइस। अभी चेंज किया है, वेरी नाइस जी, देख सकते हैं अभी सैलेड के प्रेजेंटेशन वेरी नाइस है। Thank you.
कढ़ाई इधर है, कढ़ाई एक मिनट बस सर, खाना साफ कर रेप चाहिए और ये कढ़ाई है। चलो अली भाई आप मैंने खाना खा लो, आज घुमा के जी। व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत ही मज़े का मैंने खाना खाया और बहुत मतलब है कि बड़े अरसे के बाद जो है कराची के किसी भी रेस्टोरेंट में मैंने मतलब है कि इतने मज़े का खाना खाया और जितनी चीज़ें भी हमने ऑर्डर की थी और जो हमने मंगाई मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो चले मैं जो है देखता हूँ तो अपने भाइयों से पूछता हूँ कि इनको किस तरीके से लगे। तो सबसे पहले भाई उस्मान भाई आप बताएं कि आपको क्या मतलब है, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था आपका? सब अच्छा है, अच्छा सिर्फ थोड़ा सा जो है ना झींगा मैंने तो नहीं चखा, भाई कह रहे हैं कि झींगा मज़ेदार है। ठीक है, असल में यार ये मसला मैं आपको बताऊं कि ये पूरे के पूरे कराची का एक एक्सपीरियंस है, हमने बारबेक्यू में भी खाया है हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया, लेकिन अगर मैं उससे कंपेयर करूँगा तो बेटर था जो हमने बारबेक्यू में एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 बार खाया है। तो आपको मतलब है कि अगर आपने झींगा अच्छा खाना है तो मलेशिया और इंडोनेशिया और थाईलैंड में मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। नहीं वो भी वो चीज़ नहीं है, मैं आपको सही बताऊं राशिद वालों को भी मैंने खाया है कि झींगा हाँ इसको हर कोई पका नहीं सकता है और मैंने कराची में जो है ना इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है जी, इतना पतला भी नहीं है, तो इसलिए ओवरऑल मैंने मतलब है कि वो झींगा पर आपको लॉबस्टर और झींगा जी आपको खाने के लिए मजा आएगा जी। तो शकील भाई जो है ये खुद सीमेन है तो इन्होंने काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको हमारी प्लेट से भी अंदाज़ा हो जाएगा खाने का जी हमने किस तरीके से खाया है, क्या क्या टेस्ट था उसका। अच्छा भाई आपको ये रिप्स किस तरीके से लगे हैं? बहुत अच्छा था, अभी तक लगे नहीं, अभी हमने छोड़ा नहीं है, ये जी समझ रहे हैं कि ये हो गया नहीं, ये जो है ना असल टेस्ट भी इनके साथ जो है ना ये जी ये टेस्ट है जी, अभी अभी खा रहे हल्के हल्के और माशाल्लाह बहुत टेस्ट भी बहुत मजे जी। तो चले ठीक है, आपका भी बात के बहुत बेहतरीन जी। हाँ रईस भाई बहुत अच्छी भी बहुत अच्छी है, अच्छा जी चले देख लेते हैं। अच्छा ये कौन सा था ड्रिंक पीने वाला? अच्छा जी 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 ये जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्टी खाना था, सिर्फ ये कि इनका प्रॉन जो है उसमें मज़ा नहीं आया, सही से कुक नहीं हुआ, बाकी इनका जो अजाना ये तुर्किश कबाब थे इनके अजाना ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना हुआ। और कढ़ाई आपको कैसे लगी? कढ़ाई भी बेहतर थी। मैं आपको बताऊँ पिछले हफ्ते मैंने इस्तांबुल में मैंने अजाना कबाब खाए थे, ये वाले कबाब मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे। हाँ मतलब है कि ये तुर्की इस्तांबुल में जो अदाना मैंने खा कर आया ना उससे ये वाले अच्छे थे, बाकी बहुत अच्छे अदाना जी। और इनको मैंने इसी उम्मीद से ऑर्डर किया था कि ये बहुत अच्छे बनाया। चले थैंक यू। हाँ भाई फरीद भाई आपको कैसा लगा ओवरऑल खाना? सारा खाना आपको अच्छे लगे, कोई ऐसी चीज़ है कि आप इनके लिए रिकमेंड करेंगे? सब अच्छा था, मतलब आप कराची में काफ़ी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा?
बेहतरीन। अमीन भाई आप भी माशाल्लाह बहुत कराची के खानों के बहुत ही शौकीन है और हम शुरू से बहुत हमारा शौक रहा है, तो आप क्या बताएंगे इस खाने के बारे में? नहीं खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, अच्छा टेस्ट था। हाँ टेस्ट ठीक था। सुपर हाईवे में मैं आपको अगर ये कह सकता कि सुपर हाईवे में इस वक्त इसका खाने का टेस्ट सबसे अच्छा है ना, मेरा भी यही कहना है कि जो हमने मतलब है कि कबाबी सफाई के हिसाब से भी कबाब जब हमारा मेरा जो अपना एक्सपीरियंस हुआ है कबाबी का हुआ था और उसके बाद ये हुआ है तो मुझे ये जो है टेस्ट वाइज बेटर लगा है। इवन के मेरे कुछ दोस्तों को प्राउन्स अच्छे नहीं लगे, मुझे पता है कि पाकिस्तान में अभी तक हमने इतने अच्छे प्राउन्स खाए नहीं हैं, उनसे बनते नहीं क्योंकि ये इनकी मेन डिश नहीं है। ये तो हमारी अपनी है कि जो बनाते हैं तो वो हमें पसंद आ ही नहीं सकता है और किसी को नहीं आएगा क्योंकि मसला ये है कि हम कराची में और केवाड़ी में जब रहते हैं सी साइड के पास सी फूड तो सी घर में हमारे बनता है वो ये नहीं बना सकते ना बन भी नहीं सकता है। जी करामत भाई आप बताएंगे। सारा ही अच्छा था, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगे वो कबाब लगे अदाना कबाब, मैंने पिछले हफ्ते इस्तांबुल में खाए हैं ये कबाब, ये क्योंकि ये इस्तांबुल के थे। हाँ लेकिन मैं आपको बताऊँ कि उससे ये वाले मुझे अच्छे लगे, मुझे इस्तांबुल में जो मैंने खाए उससे ये मुझे अच्छे लगे, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो हाँ भाई चीफ साहब खाना बहुत बेहतरीन था माशाल्लाह, सेटअप भी बड़ा अच्छा लगा हुआ है, सेटिंग अरेंजमेंट और बड़ा मज़ा आया, हमने काफ़ी इंजॉय किया उसको। और जहाँ तक जो आप चीजें कह रहे हो कि प्राउंस का, तो प्राउंस में वाकई जरा बनाने में इनका स्टाइल अलग है और दूसरे स्टाइल से खाते मसाले वाले, तो बाकी ओवरऑल जो है खाना बड़ा अच्छा था और बड़ा हमने इन्जॉय किया। जी माशाल्लाह देख सकते हैं भाई, देखे चीफ साहब ने भी बड़े मज़े से खाना खाया ये, हालाँकि प्राउंस भी ये देख लें तो आपको हमारे डिश से अंदाज़ा हो जाएगा इन्होंने जो क्या कुछ मतलब है कि किस तरीके से खाया खाना, तो माशाल्लाह बड़े अब्बा आप बताएंगे खाना भाई बस जी। अच्छा तो कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी? सब आइटम अच्छी। हाँ लेकिन कोई ऐसी एक होती है ना कि जो ज़्यादा अच्छी होती है? तकरीबन सब अच्छे से। अच्छा भाई ये कैसे बोले अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन ये है कि आप यासीन भाई बताएंगे आप आज के खाने के बारे में। जी सब अच्छे थे। हाँ वो मैं आगे भी बातें करते हुए आ रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं और भाई हैं हम लोग केवाड़ी से हैं तो फिश का हमारा जो है ना सी फूड हमें पता है कि हम जिस तरीके से बनाते हैं वो उस तरीके से नहीं बनाया उन्होंने। तो अभी सुपर हाईवे में आपने काफ़ी तकरीबन सारे ही रेस्टोरेंटों में खाया होगा जी, ये सब बेस्ट है माशाल्लाह। अलीबाज भाई खाना यार वाकई नो डाउट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे ज़्यादा ये रेप। अच्छा रिप्स आपको बहुत अच्छे बहुत लगे? अच्छा बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा माशाल्लाह जी देखे अलीबाज भाई को जो है रिप्स बहुत अच्छे लगे और उन्हें पसंद आए, तो चले मैं अभी जो है सैफ भाई से पूछूंगा। सैफ भाई आप बताएंगे आपको क्या मतलब है? स्टार्टर में इन्होंने सूप दिया था इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका था जी और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद रेप हो गया, कढ़ाई हो गई, फिर सबसे तो जो है डिफरेंट स्टाइलिंग का जो कबाब का था वो बहुत अच्छा लगा, अलग था मतलब कि उन्होंने नीचे कोयला रख कर तो जो कबाब बनाए थे तो उनको ठंडा भी नहीं होने दिया और वो गरम गरम उन्होंने हर चीज़ जो है ना गरम और जायके में बहुत अच्छी थी। मिसालों का बड़ा अच्छा इम्तिजाज इन्होंने रखा हुआ था, यानी कि बड़ा हम तो बहुत सेटिस्फाई हो गया हमने खाया है जी, यानी कि पेट भर गया लेकिन हाथ नहीं रुक रहे थे तो बहुत अच्छा खाना। चले माशाल्लाह देखें जी बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे ये सारे भाइयों ने और दोस्तों ने ये जो है आज का खाना जो है उसको एंजॉय भी किया और अच्छे तरीके से खाया। रजाक भाई जी जनाब आप बताएंगे कि भाई आपको ये किस तरीके से आज का खाना लगा? माशाल्लाह बारबेक्यू लेकिन मसाले हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए, ना मिर्च ज़्यादा थी ना मसाले ज़्यादा थे, बड़ी खुशी से मैंने खाना खाया और भरपूर खाया और अच्छे तरीके से और सबसे अच्छी चीज़ के गर्म गर्म चीज़ भी दिए, ठंडी कोई चीज़ नहीं और इस सर्दी के मौसम में उन्होंने सब चीज़ सर अच्छे तरीके से। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी ये देख सकते हैं ये जो बोल रहे हैं उसके आप यहाँ से खाने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इन्होंने माशाल्लाह मेरे भाइयों ने खाना किस तरीके से जो ये खाया है, ये आगे तक टेबल पर ये मेरे दोस्तों ने जो है बड़े मज़े से खाना आज का खाया है। तो मेरी तनवीर भाई आप बताएँगे जी
अदाना कबाब जो है ना, बिल्कुल माशाल्लाह सारों ने बहुत पसंद किए कबाब को, तो माशाल्लाह सबसे अच्छे। और अभी मैं जो है जमील भाई को बताऊंगा, बुलाऊंगा और पूछूंगा, जमील भाई आप इधर आए जी। जी ये गिडाप का इलाका है, अच्छी लोकेशन है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह, और मतलब फैमिली को लाने वाली जगह है और दोस्तों को पार्टी करने वाली जगह है। यहाँ पर आके एंजॉय किया, खाना सारा बहुत अच्छा था। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है अदाना कबाब जी, और वो तो पहले पहली बार मैंने खाया है, सच सही है, एक बार भी खाया, बहुत मज़ा आया। मतलब हमारे आफ्ताब भाई की सालगिरह थी, 60 साल माशाल्लाह से अल्लाह के करम से पूरे हुए हैं। आंदा भी अल्लाह पाक इनको और उम्र दराज करे और हमें ऐसी पार्टियाँ मिलती रहे और इन्जॉय करें। वाह वाह भैया, थैंक यू जी। व्यूअर्स देखते हैं जी माशाल्लाह, तो ये मेरे सारे भाइयों ने आज का खाना जिस तरीके से खाया, उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उसी तरीके के साथ जो है मैंने भी जो है खाने को बहुत इन्जॉय किया। तो मुझे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मुझे पाकिस्तान में किसी भी रेस्टोरेंट का खाना आज तक अच्छा लगा है, तो किसी इस ज़माने में बारबेक्यू का खाना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे वहाँ पर भी एक दो बार गया हूँ, मुझे वो मज़ा टेस्ट नहीं आया। तो इनके जो जो चीज़ हमने ऑर्डर की थी और जिस तरीके से, तो सारे में अपना अपना एक टेस्ट था, और मेन चीज़ थी कि फ्रेश और गर्म थी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो अभी हम जो है कुछ मतलब है कि केक का सेरेमनी है, तो इंशाल्लाह मैं केक काटूंगा तो अपने व्लॉग को ख़त्म करूंगा। और अभी मैं अपना जो है आज का जो मेरा ये दोस्तों के साथ था व्लॉग, तो उसको मैं जो है यहीं पर ख़त्म करूंगा। अपने फूड रिव्यू मैंने आपको दिया, मेरे दोस्तों ने फूड रिव्यू दिया, हमने इंजॉय अच्छे तरीके से किया आज का फूड, और लोकेशन बहुत अच्छी है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर कराची में और इसके गिर्द नवा में आप हैं, और अगर आप पाकिस्तान में किसी हिस्से से आए हैं या बाहर से आए हैं, तो अपने अजीज़ और अकारब को यहाँ ज़रूर लेकर आएँ, और यकीन करें कि वेरी नाइस एटमॉस्फेयर है, फैमिली एटमॉस्फेयर है। और ये जो है रेस्टोरेंट जो इन्होंने बनाया है, बहुत ही मतलब है कि ये खूबसूरत भी है, बैठने के लिए बहुत ही कुशादा, मतलब है कि सीटिंग बहुत अच्छी है, और बिल्कुल मैं ये फ्रीली होकर जो है ना ये अपना व्लॉग बना रहा हूँ। देख लें, काफ़ी मतलब खुली जगह है, फैमिली से दूर है, तो आप अपने मतलब एक प्राइवेसी भी काफ़ी है यहाँ पर ना, तो हाईली रिकमेंडेड है। और इफ़ यू कमिंग फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, आई विल रिकमेंड ऑल माय व्यूअर्स टू कम डाउन, इफ़ यू कम टू कराची, कम हेयर एंड एंजॉय योर फूड, वेरी नाइस फूड हेयर। तो आज का मैं अपने व्लॉग को ये इसको यहीं ख़त्म करूँगा, और फिर यहीं से मैं अपना जो है सेलिब्रेट, जो मेरे दोस्त आए हैं मेरे साथ, तो हम जो है अपने, मेरी सालगिरह है माशाल्लाह 27 जनवरी को, तो ये जो है अर्ली मेरे दोस्तों के साथ मैंने गेट टुगेदर किया है, और माशाल्लाह बहुत ये रिमेम्बर रहेगा। 2024 का आज 1 जनवरी है, और ये मुझे इसलिए भी याद रहेगा कि मैंने अपनी 60वीं सालगिरह की सेलिब्रेशन अपने दोस्तों के साथ जो है वो 1 जनवरी को मनाई थी, और मेरी वैसे एक्चुअल बर्थडे है 27 जनवरी। चलें व्यूअर्स, आप भी जो है उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है आप उसको शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और उससे भी ज़्यादा जो है मैं आज मिस करूँ अपने कुछ दोस्तों को,
कि जो मेरी 50th बर्थडे में मेरे साथ शामिल थे। और मैं भी ही रहा है।